नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो ले आऊँ कौन बनेगा करोड़पति के रजिस्ट्रेशन के ऊपर लेके आऊँ, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है कैसे नहीं करना, तो इसके रिगार्डिंग जो है मैं आपको उसमें पूरा बताऊँगा। और इस वीडियो में आज को मैं ये भी बताऊँगा आज कौन बनेगा करोड़पति का, जो मैंने आपको बताया था 9 तारीख से जो रजिस्ट्रेशन शुरू थे, यानी आज से जो रजिस्ट्रेशन शुरू थे जो अब हैं 22 तारीख तक चलेंगे, उसमें आज क्या क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आप अभी नए हो तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे नए बच्चे आए हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन भी दबा दें, सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन दबा दें तो आपको जो है नोटिफिकेशन जो है यूट्यूब का आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स आपको, एक जो है आपको जो है हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सोनी का जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सोनी का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उस डाउनलोड का जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से जो होगा सोनी का लिंक, जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसका इंटरफेस होगा वो इस तरह से इंटरफेस होगा। उसके बाद जैसे आप उसको एप्लीकेशन को अपनी जीमेल अकाउंट से रजिस्टर करने के बाद जो है आपका ऐसा खुल जाएगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बाद जो है सीधा आपको जो है नीचे आ जाना है, ये फ्रेंड्स मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये कौन बनेगा करोड़पति 9 मई 9 बजे ये लिखा होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है। फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आगे आओगे तो आपको जो है एक यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा, उसके बाद आपको आगे कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप आगे आओगे तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ आपको जो है रजिस्टर करना है रजिस्टर करना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, रजिस्टर में आपको क्या क्या पूछेगा क्या क्या नहीं पूछेगा, सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको जो है मोबाइल नंबर देना है अपना, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर दे दोगे तो आपको जो है OTP, वो OTP पूछेगा, OTP पूछेगा, यहाँ पे आपको OTP डाल देना है। जैसे ही आप OTP डालोगे, जैसे ही आप OTP डाल दोगे तो यहाँ पूछेगा फ्रेंड्स आपकी उम्र, एज पूछेगा कि आप किस एज के हो, सबसे पहले जो आपकी पूछेगा वो एज पूछेगा आप कितने साल के हो। ठीक है, आप जैसी कोई भी जितने भी आप साल के हो वो आप एज सेलेक्ट करने के बाद ये लिखा है ना आगे जाएं तो आपको आगे जाने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जाएगा अपना देश, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आपको नाम डालना होगा, जैसे मुंबई, दिल्ली, गुजरात, है ना, ये जितने भी आपको स्टेट दिख रहे होंगे ना वहाँ पे सारे आपको डालना होगा। फिर इसके बाद जो है एक और बार जो है अपना देश किस क्षेत्र में है, आपका जो घर है वो किस क्षेत्र में आता है, एक बार और आपको ये डालना होगा। फिर आपको जो है येलो कलर का एक वो दिखेगा आगे बढ़ो का, फिर आप जो है उससे आगे बढ़ जाना है। फिर उसके बाद जो है आपको आगे आ जाना है, तो फिर उसमें आपको ये पूछेगा आपकी क्वालिफिकेशन पूछेगा कि आप ग्रेजुएशन हो या नहीं हो, अगर ग्रेजुएशन हो तो हाँ डालना, अगर नहीं हो तो ना डालना। फिर जो है ये आगे बढ़ो का ऑप्शन है, फिर आपको इस वाले ऑप्शन पे आगे आ जाना है। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपका ये जो है व्यवसाय, आप क्या काम करते हो क्या काम नहीं करते हो वो पूछेगा। जैसे इसमें इन्होंने डाल रखा है कि आप वकील हो, मतलब सरकारी कर्मचारी हो, कोई आपकी शॉप है, या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, या आप छात्र हो या अन्य हो। फिर उसके बाद दर्ज करो के बाद आपको दर्ज करना है, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ जाना है। उसके बाद जैसे ही आप आओगे तो आपको जो है आज का जो है क्वेश्चन नज़र आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन नज़र आ जाएगा, तो आज का जो क्वेश्चन पूछा है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। जो भी बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, NTPC, CGL, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये इसमें हिस्सा लेना जो है बहुत ज़रूरी है। और जिनको नहीं भी पता आज का क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आज का क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। आज का जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था चीन में जो कोरोना वायरस 2019 में जो आया था वो उसकी मतलब कहाँ पे पहचान की गई,
चीन में कहाँ सबसे पहले कोरोना रोग 2019 कोविड-19 की पहचान की गई थी, मतलब कोविड-19 की जो पहचान करी गई थी वो कहाँ पे करी गई थी, इसमें जो है आपसे यही पूछ रहा है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वुलान से जो कोविड-19 की वहाँ से पहचान करी गई थी, वुलान शहर से चीन के। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही सब बताना था फ्रेंड्स आपको। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये छोटी सी जानकारी देनी थी मैंने, इसमें पूरा प्रोसेस बता दिया है आपको, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे नहीं करना। ये फ्रेंड्स ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है, रात में बनाने का मेन पर्पस ये था कि आपको जो है थोड़ी जानकारी, काफ़ी बच्चे मेरे पे कमेंट कर रहे थे कि हमें रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता, तो मैंने आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने की जो है पूरी तरह से बता दिया आपको, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है कैसे नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन करने का, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, यहाँ ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये इस पर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको जो है ये ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको रजिस्टर करें पर ऑप्शन वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल के OTP डालना है, उसके बाद जो है अपनी उम्र डालनी है, अपनी स्टेट डालनी है, उसके बाद आप ग्रेजुएट हैं या नहीं है वो बता देना है, उसके बाद जो है आपको आज का क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो है आपको अपना वेबसाइट डालना है कि आप क्या काम करते हैं क्या काम नहीं करते, उसके बाद दर्ज होने के बाद जो है आपको जो है आज का क्वेश्चन नज़र आ जाएगा। ये जो क्विज़ है 9 तारीख से 22 मई तक चलेगा, 22 मई 2020 तक चलेगा, और इसमें अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको जो है कॉल के थ्रू या SMS के थ्रू जो पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी देनी थी, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों पे जानकारी पहुँचाइए जिन पे जानकारी नहीं पहुँची है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारे नए साथी हैं वो चैनल को जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं फ्रेंड्स और ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं, आप हमारा चैनल को है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, शुभ रात्रि।